चलिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी अब ये खबर है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना भी शुरू हो चुकी है और मतगणना जैसे कि शुरू हुई है उसी हिसाब से अब रुझान भी आना शुरू हो गए हैं। मतगणना में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एग्जिट पोल ने इस मामले में सबको हैरान किया था हरियाणा में, और अब जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुए हैं, हरियाणा की पॉलिटिक्स भी अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी पूरी कांग्रेस जो है उसने जोर लगाया और जाटों का मुद्दा बड़ा रहा, विनेश फोगाट, पूनिया। तो चलिए इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरियाणा के नतीजों पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये जो विधानसभा चुनाव राज्यों के हो रहे हैं इसको लेकर विपक्ष बड़ा ही उत्साहित है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें लगा कि काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किया और विधानसभा में भी उससे उम्मीद है कि जनता का साथ मिलेगा। लेकिन हरियाणा में क्या जनता ने तय किया है आज नतीजे बता ही देंगे, और हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने की तैयारी जो बीजेपी कर रही है उसमें कामयाब होगी, या आपको लगता है कि कांग्रेस मनुसर इस पर बाजी मारने वाली। मनोज शर्मा जी पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, बने हुए हमारे साथ, उनसे हम इस सवाल को और भी समझेंगे कि क्या मनोज जी हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाकर ऐतिहासिक जो नतीजा है वो लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी, या जो इतिहास अभी तक रहा नहीं कि दूसरी बार के बाद तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनती है तो वो पार्टी बदल जाती है, तो वो लगातार वही चला आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, दावे तो दोनों दलों के हैं, लेकिन जो इतिहास का आपने जिक्र किया और जो संभावना है कि बीजेपी संभवतः इतिहास ना दोहरा पाए, वो हैट्रिक ना लगा पाए, उसका एक बड़ा कारण ये है कि हरियाणा में बीजेपी का अपना कोई खास वजूद नहीं था, लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। ऐसा नहीं कि पहले सरकारों में रही है, लेकिन वो छोटे छोटे गठबंधनों के साथ, वो कभी बंसीलाल की पार्टी के साथ रही है, कभी जो देवीलाल चौटाला की पार्टी रही है NLO उसके साथ गठबंधन में रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत उसको तभी मिला था जब नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार आई। दूसरी बार वो बहुमत से दूर रह गए थे, 40 सीटें मिली थी, लेकिन हरियाणा में जो ट्रेंड रहा था कि बीजेपी को लोकसभा जो वोटिंग होती थी वो विधानसभा से 15 से 16% ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो जाटों की नाराजगी है, पहलवानों की नाराजगी है, वो बीजेपी को भारी पड़ी है। और बीजेपी जो दो बार से हरियाणा में 10-10 लोकसभा की सारी सीटें जीत रही थी, इस बार वो 5 में सिमट गई थी। लोकसभा चुनाव में 15 से 20% उसका वोटिंग का शेयर गिरा है, तो ऐसे में उम्मीद और आशंका जताई जा रही है कि संभावना है कि ये वोट शेयर उसका और गिर सकता है। तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान में लड़े थे और जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की, के बाद ही नायब सैनी को लाया गया था, मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, तो उम्मीद की जा रही है कि संभवतः कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा में वापसी कर सकती है। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो हरियाणा की राजनीति में तीन परिवारों का बोलबाला रहा है, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, और चौथा परिवार है भूपेंद्र हुड्डा का, जो कि नया नवेला परिवार कह सकते हैं। हालांकि हुड्डा अनुभवी नेता, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसदों में से एक है, तो उम्मीद की जा रही है कि संभवतः जो हुड्डा के परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस में सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस की राह भी उतनी आसान नहीं है। तीनों परिवार जो बिखरे हुए हैं, अलग अलग उन्होंने राजनीतिक दल बना लिए, उनका अस्तित्व उसमें वजूद संकट में है। आम आदमी पार्टी को हो सकता हसरतों को झटका लगे, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ में चुनाव लड़े, कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन नहीं किया, लेकिन बहुत संभावना है कि उनका खाता ना खुले। यही हर्ष देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का हो सकता है, जो बंसीलाल और भजनलाल के परिवार अलग अलग राजनीतिक दलों से अपने दम पर मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी संभवतः उनको एक करारा झटका इस चुनाव से लग सकता है। और बीजेपी के बारे में तो मान ही रहे कि जो 40 सीटें थी वो संभवतः बीजेपी अगर 25 सीटें भी जीत पाती है तो इसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी नाराजगी है, और जो अहिरवाल बेल्ट है और GT रोड बेल्ट है, बीजेपी के बारे में जाना जाता मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के सामने संकट ये होगा क्योंकि अभी नतीजे आए नहीं, अभी एग्जिट पोल आया है, लेकिन जो हुड्डा है वो ये कह रहे हैं कि अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ, हालांकि वो 77 साल के हो चुके हैं, तो माना जा रहा है कि उनकी उम्र उनकी आड़े आ सकती है। जो शैलजा कुमारी है, जिनके बारे में कहा जाता है बड़ी दलित नेता है, लेकिन पूरे चुनाव में उनकी नाराजगी सामने आई थी, वो अलग ताल ठोक रही, वो कह रही है कि देश को संभवतः हरियाणा को पहली महिला और दलित मुख्यमंत्री मिल सकती है। रणदीप सुरजेवाला भी अपनी उम्मीद जताए बैठे हैं, क्योंकि उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, वो खुद सांसद हैं। तो ये पूरा मिला के अगर कांग्रेस जीतती भी है तो सबसे बड़ा सरदर्द उनके सामने होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर वो मुख्यमंत्री बनता है उनका, अगर हुड्डा बने, शैलजा बने या सुरजेवाला बने, हालांकि
ज्यादा संभावना हुड्डा की है, लेकिन माना जा रहा है कि फिर पूरे 5 साल अगर सरकार चलती है, क्योंकि अगर बहुमत अच्छे से आ जाता है, तो फिर जो उठापटक हमने राजस्थान में देखी थी पूरे 5 साल, जो हमने छत्तीसगढ़ में देखी थी और जो मध्य प्रदेश में देखी थी कमलनाथ सिंधिया के बीच, वो नजारे हमको हरियाणा में देखने को मिल सकते हैं इमरान। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि वो यहाँ पे अच्छे नतीजे के साथ अच्छी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। बिल्कुल, अब शाम तक और भी तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी शाम तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके पक्ष में क्या कुछ आता है। हालांकि जैसे कि मनोज सर ने भी जिक्र किया कि स्थिति मजबूत कांग्रेस की दिख रही है हरियाणा में, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा नतीजों का। फिलहाल रुझान आना शुरू हो चुके हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। देखिए, एग्जिट पोल ने सबको हैरान किया हुआ है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के गठबंधन और कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और हरियाणा के बारे में जैसे मनोज जी ने भी जिक्र किया कि महिला पहलवान और महिला पहलवानों के साथ ही जाटों की नाराजगी, उनके जो मुद्दे हैं वो काफी हावी दिखाई दिए, और जिसकी वजह से कांग्रेस का पलड़ा एग्जिट पोल में हरियाणा में भारी दिखा। और वहीं जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी 5 एग्जिट पोल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखा रहे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जो विपक्ष पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में था, और क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो उम्मीद की थी, जिस नंबर की या मैजिकल नंबर्स की, वो नंबर्स बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे, लेकिन तब भी सरकार बनाने में बीजेपी ही कामयाब रही। लेकिन विपक्ष को भी निराशा हाथ नहीं लगी थी, अच्छे नंबर्स अच्छे अंक उन्हें भी मिले थे, और कांग्रेस को 99 सीटें आने के बाद कांग्रेस उत्साहित दिखाई दे रही है, राज्यों में मेहनत कर रही है। और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए ये चुनाव, जिसके बाद अब नतीजों का दिन है दोनों ही राज्यों में। तो किसकी बनेगी सरकार, चाहे वो हरियाणा की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की, ये शाम तक पिक्चर साफ हो जाएगी।